हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट योर रीडर बुक चैप्टर 4 स्ट्रीट गेम्स ऑफ इंडिया। गेम्स ऑफ इंडिया, जैसे कि आप नाम से ही समझ गए हैं कि गलियों में खेले जाने वाले भारतीय खेल। इसके राइटर जो हैं मुल्कराज आनंद ने इंडिया की गलियों में खेलने वाले खेलों के बारे में जो है बताया कि कैसे छोटे छोटे गेम जो हैं इंडिया के बच्चे गलियों में खेलते हैं। एक्साइटिंग टॉकिंग एंड लाफ्टर, शाउट्स ऑफ जॉय एंड डिस्पेयर, दीज आर द साउंड ऑफ द स्ट्रीट गेम्स ऑफ इंडिया। इन दिस टेक्स्ट ऑथर मुल्कराज आनंद रिकॉल्स द गेम्स दैट ही प्लेड एज ए यंग बॉय। उत्साह से बात करने और हंसी खुशी और निराशा के जयकारे से जो है भारत की सड़कें खेलों की आवाज़ें हैं कि उत्साह से बच्चे खेलते हैं जोर जोर से चिल्लाकर। तो इस पाठ में ऑथर मुल्कराज आनंद ने उन खेलों को याद करते हैं और उन्होंने इन खेलों के माध्यम से एक युवा लड़के के रूप में जो उन्होंने गेम खेले थे उसके बारे में बताया है। माई इंटरेस्ट इन प्लेइंग स्ट्रीट गेम्स बिगेन अर्ली। वन ऑफ माई अर्लीस्ट मेमरीज इज प्लेइंग द गेम्स ऑफ गोली। द गेम इज प्लेड विद मार्बल्स विच वी कलेक्टेड बाय ब्रेकिंग द नेक्स ऑफ ओल्ड सोडा वाटर बॉटल्स। समटाइम वी बॉट कलरफुल मार्बल्स। सड़क के खेल खेलने में मेरी दिलचस्पी, राइटर बता रहे हैं कि मेरी दिलचस्पी जो है जल्दी शुरू हुई। मेरी सबसे पुरानी यादों में से एक है गोली का खेल। खेल जो है गोली का खेल मार्बल के साथ खेला जाता है, जिसे हमने पुरानी सोडा पानी की बोतलों की गर्दन को तोड़कर एकत्रित किया था, जैसे आजकल पानी की वाटर बोतल आती हैं उनकी जो है गर्दन को तोड़कर इकट्ठा किया था। कभी कभी जो है हमने रंगीन पत्थर खरीदे, रंगीन कलरफुल मार्बल यानी रंगीन पत्थर खरीदे। टू प्ले द गेम ईच प्लेयर हैज़ टू हैव ए गोली और मार्बल। ए लिटल होल इज डग इनटू इवन ग्राउंड विद द हील ऑफ द फुट। ईच प्लेयर देन नील्स ऑन द ग्राउंड 6 feet अवे फ्रॉम द होल। देन विद देयर फिंगर्स दे स्ट्राइक देयर गोली ट्राइंग टू गेट देम इन टू द होल। दे ऑल्सो ट्राई टू स्ट्राइक द ऑथर प्लेयर्स गोलीज आउट ऑफ द वे ऑफ देयर ओन गोली और दे यूज देयर गोली टू पुश द अदर्स गोलीज इन टू द होल। खेल खेलने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को जो है ईच प्लेयर को के पास जो है गोली या संगमरमर होना चाहिए। एक छोटा सा छेद भी पैर की एडी के समान ज़मीन में खोदा जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी फिर छेद से 6 फुट दूर ज़मीन पर घुटने टेक देता है, फिर अपनी उंगलियों के साथ वे अपनी गोलियां मारते हैं और उन्हें छेद के अंदर जो है उसे डालने की कोशिश करते हैं। वे अन्य खिलाड़ियों को जो है अपनी गोलियों के रास्ते से बाहर निकालने की भी कोशिश करते हैं, या वे जो है जो वो होल होता है उसमें दूसरों की गोली को धक्का देने के लिए अपनी गोली का उपयोग करते हैं। शाउट्स ऑफ आ गोली मारी कैन बी हियर्ड व्हेन वन सक्सीड्स इन स्ट्राइक्स अनदर गोली आउट ऑफ द वे। द प्लेयर हु गेट्स ऑल द गोलीज इनटू द होल फर्स्ट इन द विनर। अब हाँ गोलीमारी के चिल्लाने को तब सुना जा सकता है जब कोई अन्य गोली को रास्ते से हटाने में सफल हो जाता है, तो वह ऐसे चिल्लाता है कि हाँ गोलीमारी। वह खिलाड़ी जो पहले सभी गोलियों को छेद में लाता है वह विजेता होता है। फादर डिड नॉट लाइक अस टू वेस्ट टाइम प्लेइंग गोली बट आई ट्राइड माई लक एट द गेम एनी वे। हावेवर आई डिड नॉट हैव द डेफ्ट फिंगर्स नीडिड टू बी रियली गुड एट द गेम एंड ऑफ्टन लॉस्ट माई गोलीज टू द ओल्डर प्लेयर्स। डेफ्ट होता है क्विक और स्किलफुल। तो पिताजी को यह पसंद नहीं था कि हम गोली खेल कर अपना समय जो है वो वेस्ट करें, लेकिन मैंने खेल में अपनी किस्मत को जो है आजमाया। हालाँकि मेरे पास जो है खेल में वास्तव में अच्छा होने के लिए उंगलियों की कमी नहीं थी और अक्सर पुराने खिलाड़ी मेरी गोली खो देते थे। उंगलियां तो थी लेकिन जो है उसको निशाना लगाना नहीं आता था, और पुराने जो खिलाड़ी परफेक्ट थे वो जो है उसकी गोली को खो देते थे। इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर आई मूव ऑन टू अदर गेम्स। द गेम आई एंजॉयड द मोस्ट वाज आँख मिचोली और ब्लाइंड मैंस बफ। इन दिस गेम
One player covered their eyes with their hands or with a piece of cloth. The other hide in different places, and the blind man looks for them. अब जो है गोली के गेम के बाद जो है अन्य खेलों में जाने से पहले जो है मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था. जिस खेल में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था वह क्या था, आँख मिचोली. तो आँख मिचोली या ब्लाइंड मैन बफ था. इस खेल में जो है एक खिलाड़ी अपने हाथों से या कपड़े के टुकड़े से अपनी आँखों को ढकता है और दूसरे लोग जो है अलग अलग जगह पर छिपते हैं और अंधा आदमी जो है ब्लाइंड मैन बनकर वो उनको ढूंढता है अपनी आँखों पर जो है कपड़ा लगाकर. तो ये दूसरा गेम था स्ट्रीट गेम, कौन सा, आँख मिचोली. द फर्स्ट टाइम आई प्लेड दिस गेम विद माई ओल्डर कज़न आई चीटेड आई पीपेड through my fingers to see where she had hidden herself. Then I ran here and there, pretending to look for her. Finally, when she nearly shoved herself behind the charpai, I caught her and laughed and shrieked as though I had been looking all over for her. पहली बार जब मैंने अपनी बड़ी चचेरी बहन के साथ वह जो खेल खेला तो मैंने धोखा किया. मैंने अपनी उंगलियों से जाकर देखा कपड़े को थोड़ा सा ऊपर करके वह कहाँ छिपी हुई है. फिर मैं इधर उधर दौड़ता रहा, उसकी तलाश करता रहा. अंत में जब उसने लगभग खुद को जैसे चारपाई के पीछे छुपाया तो मैंने उसे पकड़ लिया और हंसा और चिल्लाया जैसा कि मैंने उसको हर जगह देखा था. हाउएवर आई ग्रू अप आई फाउंड दैट प्लेइंग ब्लाइंड मैंस बफ विद ए लार्ज ग्रुप रिक्वायर्ड मोर स्किल. ईच वन वॉज सो क्लेवर एट हिडिंग दैट द ब्लाइंड फोल्डेड वन रोमिड अबाउट हियरिंग द अदर शाउट बट अनेबल टू टच एनी वन. हालांकि जो है जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने एक बड़े समूह के साथ ब्लाइंड मैन बफ खेलने में अधिक कौशल की आवश्यकता पाई और प्रत्येक व्यक्ति छिपने में इतना चतुर था कि अंधा व्यक्ति जो है वो घूमता रहे, दूसरों की चीख पुकार सुनता रहे लेकिन किसी को छूने में असमर्थ रहे. Sometimes the older boys used the game as a trick on me when they did not want me to play with them. Although I remember crying many times when they did this, I enjoyed this game even when I become older. कभी कभी बड़े लड़के ने जो खेल का उपयोग मुझ पर एक चाल के रूप में करते थे. जब वे नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ खेलूं तो हालांकि मुझे याद है कि जब उन्होंने ऐसा किया था तब मैं बहुत रोया था. जब मैं बड़ा हो गया था तब भी मुझे यह खेल बहुत पसंद था. तो स्टूडेंट आज हमारा जो है ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ कम्प्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल पढ़ेंगे.